हेलो नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं सौरभ एक बार फिर आपके साथ। दोस्तों आज हम क्लियर करने जा रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर हिंदी ए के जो बुक है उसका चैप्टर फिफ्थ। बाकी फोर्थ चैप्टर मैंने आपको करवा दिए हैं, अगर आपने नहीं देखे तो उसका लिंक ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा। इधर साइड आपका कहीं आई बटन शो हो रहा होगा, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे और पूरी प्लेलिस्ट डाल दूंगा आपकी, वहाँ पर मैं आप जाके सारे ही चीज़ वहाँ से कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है आधुनिक हिंदी साहित्य की राजनीतिक विरासत, जो कि डॉक्टर रामविलास शर्मा द्वारा लिखा गया है। और देखिए एक खास बात, एक बेसिक सी बात बताता हूँ मैं, जिसके नाम के अगर डॉक्टर हो तो जाहिर सी बात है कि उसने PhD करी हुई होगी। ठीक है, तो इसलिए आपको उनकी एजुकेशन लिखने में थोड़ी दिक्कत नहीं होने की है। ठीक है, तो इसमें आपको जो है उनकी शिक्षा लिखने में थोड़ी दिक्कत नहीं होगी, कि जाहिर सी बात है कि उन्होंने BA फिर MA और PhD करी होगी। अब किस विषय में करी है वो आपको थोड़ा ध्यान देने योग्य बात है, अगर ध्यान ना रहे फिर भी मोटा मोटे तौर पर लिख दीजिएगा कि उन्होंने BA MA और PhD भी की हुई है। तो सबसे पहला आता है इनका जीवन परिचय। डॉक्टर रामविलास शर्मा का जन्म 10 अक्टूबर 1912 को जिला उन्नाव के ऊंचा गांव में हुआ। ये गांव का नाम होगा ऊंचा गांव, इसमें इनका जन्म हुआ 10 अक्टूबर 1912 को। और इनकी शिक्षा जो है झांसी और लखनऊ से हुई। झांसी और लखनऊ से इन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की और इन्होंने जो है इंग्लिश में अपनी साहित्य जो है इन्होंने अपनी इंग्लिश में साहित्य शिक्षा प्राप्त की। ठीक है, और इन्होंने MA किया, यानी कि इन्होंने इंग्लिश में MA किया और फिर इसी विषयों में इन्होंने PhD की उपाधि प्राप्त की। PhD भी यानी कि इन्होंने इंग्लिश में ही की। शुरू में लखनऊ विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में अध्यापन कार्य किया, यानी कि शुरू में जो है इन्होंने लखनऊ में एक स्कूल विश्वविद्यालय था यानी कि कॉलेज, उसमें इन्होंने अंग्रेजी अध्यापन कार्य किया, यानी कि उसमें इंग्लिश के टीचर रहे। और फिर बाद में आगरा के बलवंत राजदूत कॉलेज में अंग्रेजी विभाग के अध्यक्ष रहे। उन्होंने AM हिंदी संस्थान के निदेशक का कार्यभार भी संभाला और 30 मई 2006 को उनका देहांत हो गया। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया। इनको एक तो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था और नेहरू पुरस्कार, शिखर सम्मान और नेहरू पुरस्कार भी दिया गया। और यह शिखर सम्मान, व्यास सम्मान आदि सम्मान के किए गए, इन पुरस्कारों से इनके सम्मान भी किए गए। साम्राज्यवाद का विरोध, सामाजिक न्याय के प्रति पक्षधर और जातिवाद का विरोध, मार्क्सवाद, ये मतलब ये चीज़ें इन चीज़ को ये करते थे क्या, साम्राज्यवाद का विरोध करते थे और सामाजिक न्याय न्याय के प्रति पक्षधर थे, न्याय के पक्ष में थे, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते थे और जातिवाद का विरोध करते थे। मार्क्सवादी के प्रति उनकी गहरी आस्था थी, परंतु उनका विश्वास था कि मार्क्सवाद और साम्यवाद की बात करते रहने भर से साम्यवाद नहीं आएगा, कोई क्रांति नहीं होगी अगर हम सिर्फ उन चीज़ों की बात ही करते रहेंगे, तो उसके लिए जनता के बीच जाकर काम करना होगा। ठीक है, इनकी खुद की लाइन है ये, और एक लाइन और आती है काफ़ी मज़ेदार है वो भी। ठीक है, उन्हें अपने स्थितियों के प्रति चेतना जागृत करनी होगी, जैसी उनकी स्थिति है उनको वो सब चीज़ें मतलब डेवलप करनी होगी, उन सब चीज़ों के बारे में उनको जागना होगा। वो एक तरह से मतलब सोए हुए हैं, उनको जागना होगा कि उनकी स्थिति किस हिसाब से है, कैसे उनकी स्थिति है। और भावुकता की बजाय तार्किक ढंग से सोचना होगा, किसी की चीज़ के लेकर भावुक नहीं होना। ज़्यादातर क्या होता है कि इंसान जब भावुक हो जाता है तो अपना ही नुकसान कर बैठता है। ठीक है, तो उसके प्रति तार्किक ढंग से सोचना है, तर्क देने से। तो एक लाइन और कही है, अरे भाई शहर में रहते हो तो मजदूर बस्तियों में जाओ, अगर तुम शहर में रहते हो तो मजदूर की बस्तियों में जाओ, गांव में रहते हो तो किसानों को पढ़ाओ, अगर तुम गांव में रहते हो तो किसानों को भी शिक्षित करो और प्रौढ़ शिक्षा के लिए संघर्ष करो। प्रौढ़ शिक्षा कौन सी है, जैसे इग्नू की, ठीक है, उसे हम प्रौढ़ शिक्षा कहते हैं। प्रौढ़ शिक्षा के लिए संघर्ष करो, इससे क्या होगा कि इससे सारे समाज की समस्या तो दूर नहीं हो सकती, मतलब जो समस्या है सारी एक साथ दूर नहीं हो सकती है, लेकिन शुरुआत तो हम कर देंगे उस चीज की। उनकी मान्यता थी कि स्त्री पुरुष सभी धर्म और सभी जाति और सभी वर्ग के लोगों को समान रूप से जीने का अधिकार है, चाहे वो स्त्री पुरुष हो, उन सब चीज़ों के बीच में मतलब भेदभाव ना हो और सभी धर्मों के बीच किसी चीज़ के मतलब किसी भी तरह का कोई भेदभाव ना हो
और इंसान जो है एक मानव की तरह जिए, ना कि किसी स्त्री पुरुष के धर्म के बीच फंस के या धर्मों के बीच फंस के वो जिए, ठीक है। सभी को समान जीने का अधिकार है। रामविलास जी मानते हैं, मानते थे कि सामाजिक न्याय सबको मिलना चाहिए, परंतु उनका आधार धर्म या जाति नहीं, वर्ग होना चाहिए। जातिवादी राजनीति से जातिवाद समाप्त नहीं होता बल्कि बढ़ता है, ऐसा उनका कहना है, और ये फैक्ट बात भी है, ठीक है। अब आता है पाठ का सार, कि जो पाठ है हमारा, क्योंकि दोनों चीज़ हमें कवर करके चलनी है, और पाठ का सार भी अब पढ़ते हैं। लेखक ने भारतेंदु हरिश्चंद और उनके साहित्यकार, जो इनके साहित्यकार हैं जैसे कि प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद, ठीक है, प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, निराला आदि, इन सभी के संदर्भ में राजनीतिक और साहित्य के संबंध की पुष्टि की है। इन सभी को रखते हुए भी इन्होंने इस बात को दर्शाया है, अपने साहित्य के उससे अपने इन चीज़ों की पुष्टि किया, सामने रखी है। जैसे कि देखिए, एक एग्जाम्पल दिया है इन्होंने कि 1857 का विद्रोह। आपने 1857 का विद्रोह के बारे में कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा। तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो है समाप्त हुआ, और इंग्लैंड की महारानी जिसका नाम था विक्टोरिया का शासन कायम हुआ। उसके बाद उन विक्टोरिया महारानी विक्टोरिया का शासन जो है कायम हुआ। स्वतंत्रता संग्राम में असफल होने के कुछ समय तक इस विदेशी शासन की विरोध भले ही ना हुआ हो, मतलब कि ये जो शासन था इसका विरोध भले ही ना हुआ हो, परंतु जो है असंतोष की चिंगारियां जरूर फूट गई थी, कि बंदे इससे काफी हद तक संतोष नहीं कर पा रहे थे। अंग्रेजी नीतियों ने इस असंतोष और भड़काया अंग्रेजी नीतियों ने इसे ठीक है इसने इसे इसे असंतोष को और भड़काया, और देश की यह स्थिति आधुनिक काल के हिंदी साहित्यकारों की दृष्टि से नहीं छिपी थी। यानी कि जो भी हिंदी साहित्यकार थे उन सब के नजरिए से भी यह चीज़ नहीं छुप पाई, और 1874 को कवि वचन सुधा में भारतेंदु ने एक प्रतिज्ञा पत्र प्रकाशित किया, जिसमें विलायती वस्तुओं के प्रयोग के स्थान पर स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर बल दिया गया। यानी कि जो भारत देश का माल था, सामान था, उसको उसका बहिष्कार किया गया, और स्वदेशी मतलब अपने देश की बनाई गई वस्तुएं, उन चीज़ों के ऊपर बल दिया गया। राजनीतिक इतिहास में स्वदेशी आंदोलन भले ही 20वीं शताब्दी के आसपास चलाया गया हो, परंतु भारतेंदु जो थे वो इसकी आवश्यकता पहले से ही समझ चुके थे, कि इसकी आवश्यकता हमें पहले से ही रहेगी, और सब देसी वस्तुओं के व्यवहार पर बल देने के लिए एक संस्था भी बन चुके थे, एक संस्था भी बना चुके थे वो, ठीक है, ताकि सब देसी चीज़ों को, जो अपने देश की चीज़ें हैं उनको बढ़ावा दिया जा सके, उस चीज़ के लिए वो पहले ही एक संस्था बना चुके थे। वह बदलते औद्योगिक शिक्षा का महत्व समझ चुके थे, वो जानते थे कि अगर जैसे जैसे औद्योगिक क्रांति आती जाएगी वैसे ही शिक्षा का महत्व भी बढ़ता जाएगा। उन्होंने विदेशी शासन और उसकी नीतियों से मुक्ति पाने के लिए राजा रसोई पर विश्वास करने की बजाय, यानी कि राजा वगैरह पर विश्वास करने की बजाय अपनी शक्तियों पर भरोसा करने पर बल दिया। भारतेंदु युग के अन्य सलाहकारों ने भी विदेश की राजनीतिक सामाजिक स्थितियों की सचेत किया, इन्होंने इन सबकी स्थितियों को भी सचेत किया, ना सामने लाया। और बालकृष्ण भट्ट फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था हमने, इन्होंने एक वो लिखी थी, इनकी कृति थी काफ़ी फेमस थी, हिंदी प्रदीप नाम, ठीक है, वही यहाँ पर आता है कि बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप इनका संपादित किया, मतलब वही इनकी जो कृति है, ठीक है। इसमें इसी को लक्ष्य करते हुए अपनी टिप्पणी लिखी थी, यानी कि इसी चीज़ को भी हिंदी प्रदीप जो इन्होंने कृति थी इनकी, इन्होंने बालकृष्ण भट्ट ने इसी चीज़ को उसके अंदर लिखा हुआ है, मतलब टाइटल वही है, लैंग्वेज उनकी अलग होगी, और अपनी टिप्पणी लिखी थी। उसमें ये लाइन मोस्ट इम्पोर्टेंट बताई गई है कि नए स्वर में पुराने गीत, नए वर्ड के अंदर पुराने गीत, यानी कि 1917 की रूसी क्रांति की सफलता से साम्राज्यवाद का वर्चस्व कम हुआ, और इससे भयभीत होकर साम्राज्यवासियों ने अपनी दमनकारी नीतियों को न्याय संगत ठहराने और उसके विरोध हो रहे स्वाधीनता आंदोलन को कुचलने का काम शुरू किया। दमनकारी स्थिति वो होती है दबे रहना ऐसे किसी के, ठीक है, दमन शोषण होना उस तरह की। और ऐसे ही यूरोप में हिटलर ने भी यही काम किया, और प्रेमचंद ने अपनी प्रसिद्ध उपन्यास जिसका नाम था प्रेमश्रम में किसान आंदोलन को विषय बनाया, इन्होंने किसान आंदोलन को इसके किसान आंदोलन के बारे में लिखा,
कि किसान किस तरह मतलब रहता है, कैसा आंदोलन करता है, क्यों करता है, उस सब चीज़ों के बारे में लिखा। और एक और है प्रेमचंद की जो किताब है, इनका नाम है गोदान। गोदान में किसान मजदूरों के शोषण और उनकी दयनीय स्थिति पर प्रकाश डाला कि किसानों की जो शोषण हो रहा है किस तरीके से हो रहा है, उनकी स्थिति मतलब कैसी है, इन सब चीज़ों को गोदान में प्रेमचंद ने प्रकाशित किया है। और राय साहब जैसे लोगों की सच्चाई सामने रखी। प्रसाद जी ने भी तितली, जयशंकर प्रसाद है, इन्होंने भी तितली, इनकी किताब का नाम है तितली, में भूमि समस्या के संदर्भ में अधिकारों पर बल दिया, यानी कि जो जमीन जायदाद है, जमीन, ठीक है, भूमि समस्या, जो जमीन की समस्या, उन सब के संदर्भ में उन सब के अधिकारों के ऊपर बल दिया गया। और भारतेंदु युग के सभी रचनाकार की रचनाओं के संदर्भ में डॉक्टर रामविलास शर्मा यह बताना चाहते हैं कि आधुनिक काल के साहित्य का राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हलचल और सामाजिक स्थितियों से भली भांति परिचित हैं। यानी कि ये जो है ना, ये डॉक्टर रामविलास शर्मा ये कहना चाहते हैं इस कहानी के माध्यम से कि आधुनिक काल यानी कि आज का काल जो है, पहले को नई चीज़ों के अंदर आना, मतलब ठीक है, आधुनिक काल वो होता है, आधुनिक काल के साहित्य का राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, यानी कि आधुनिक काल जो है उसके राष्ट्र, उसके राजनीति और हलचल और सामाजिक स्थिति इससे भली भांति परिचित रहे हैं, यानी कि उनको वो पहले से ही जानते थे और अपनी पहली दृष्टि से उन्होंने इन सभी स्थितियों को देखा परखा है। यानी कि ये सब चीज़ें जो हैं इनके नज़रिए से नहीं छुप सकी, 1857 का विद्रोह वगैरह जो भी है, समाज की स्थिति, वो सब जो है इनकी स्थितियों से, इनकी दृष्टि से, नज़रिए से नहीं छुप सकी, ठीक है। इन्होंने अपने साहित्य में उस चीज़ को ही प्रकाशित कर, लिख के प्रकाशित किया। अपने समय के पसंद से वह जूझ रहे हैं और उनके कारणों की तलाश करने का प्रयत्न कर रहे हैं, यहाँ पे पसंद नहीं पसंद, अपने समय के पसंद से वह जूझ रहे हैं और उनके कारणों की तलाश करने का प्रयत्न कर रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ ही वीडियो समाप्त होती है और मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगी और एंड स्क्रीन में भी आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर भी देख सकते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो लाइक शेयर कमेंट जरूर करके बताएं कि आपको कैसी लगी। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।